हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोल है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर रेट के यहाँ पर एडमिट कार्ड आया हुआ है, लेकिन आपको कई प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे कि एडमिट कार्ड RBSC की मेन वेबसाइट से जाते हो तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई जाता है, या फिर आपके पास में ID ओपन नहीं हो रही। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ आपको यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर कुछ उपाय बताऊँगा, जिसको आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल जाएगा। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका हूँ एडमिट कार्ड। यहाँ पर देख सकते तो मैंने यहाँ पर निकाल चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सभी डिटेल आप यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जाम कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, एडमिट कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, धैर्य रखना होगा। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कि आपने तो एडमिट कार्ड यहाँ पर निकाला ही नहीं है, तो हमें कैसे। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने एडमिट कार्ड निकाल लिया, लेकिन क्या हुआ, जब मैं यह ट्राई कर रहा था उस टाइम पर मैं कहीं ना कहीं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि ट्रायल बार बार ट्राई करने के बाद में ही यहाँ पर एक बार यहाँ पर निकलता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके वीडियो बनाने के बाद में आपके वीडियो के लिए जैसे वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे यहाँ पर ID नहीं चलती, वापस से नहीं चलती, तो इस वजह से ये रीज़न हो जाता है। तो जहाँ तक है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और कई मेरे जिन्होंने मैंने बताया है, जिन्होंने पूछा है, उनको भी मैंने बताया, वो भी यहाँ पर निकाल लिया है। तो गाइस, आपका नहीं निकल रहा तो कुछ ये उपाय कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप अपनाइए, उससे आपका भी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर लिंक दूंगा, आपको यहाँ पर 4 लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट कर रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया था अभी तक चैनल, यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पर लिंक आपको दिए हुए हैं, जो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेट के लिए 4 लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, आपको चारों लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चारों अलग अलग दोस्तों, एक नहीं है, चारों अलग अलग है। यहाँ पर पीछे की साइड देख सकते हो, यहाँ पर .com है और ऑरेंज है नेट इन्फो। तो दोस्तों, ये सभी साइडें अलग अलग है। आप अगर अलग अलग साइड पे जाके आप यहाँ पर जाते हो और बार ट्राई करते हो तो आपका ओपन हो जाएगा। आप किस में ओपन हो रहा है वो भी यहाँ पर बताऊंगा, और किस में ओपन नहीं हो रहा वो भी यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर सबसे रीजन यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर .com वाली। आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पर .com यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो .com वाली मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है। तो आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा, और आप आराम से आप यहाँ पर एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। तो गैस, फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर अभी साइड नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं साइड नहीं चलती है, क्योंकि बार बार ट्राई करने पर कहीं ना कहीं एक बार चलती है। तो वैसे करके अभी यहाँ पर मुझे पता है नहीं चलेगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, जैसे RBSC की अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, RBSC अगर हम राजस्थान RBSC बोर्ड यहाँ पर उस पर जाते हैं वेबसाइट पर, तो आप वहाँ पर चले तो जाओगे, लेकिन आप वहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भी रेट के यहाँ पर पैनल पर आ जाओगे, एडमिट कार्ड पर भी आ जाओगे, और डाटा फिल करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, जैसे कि एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, वहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ट्राई कर चुका हूँ, वहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो आप इस साइड से तो आप बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। तो आपको यहाँ पर बता दूँ, इस साइड से तो आप बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेक्स्ट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। आप अपना फॉर्म नंबर वहाँ पर फिल कर दीजिएगा, उसके बाद में आपका मदर्स नेम और खुद का नाम और जन्मतिथि जैसे फिल करके आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं आएगा, नेक्स्ट का मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ से। तो आपको इस यहाँ पर .com वाली वेबसाइट से तो आपको किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आते हैं बात कि आप कौन सी वाली से निकल रहा है। तो दोस्तों, सेकंड यहाँ पर देखने को मिल जाए org.org से और .net से। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सेकंड और थर्ड यहाँ पर वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, इसी वेबसाइट से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। इन दोनों ही वर्क करिए, दोनों ही वर्क करिए। इसके अलावा 4 में से 2 वर्क नहीं कर रही, 2 वर्क कर रही है, तो दोनों से ट्राई कीजिएगा। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना होगा, डायरेक्टली आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, वेबसाइट पर जाके आपको ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। इसी तरीके से हो जाता है आराम से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। आप यहाँ पर पेज देख सकते हो, आगे का पेज भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, अभी यहाँ पर आपको भी बताता हूँ कि आखिरकार करना क्या है। तो गाइस, आपको फॉर्म नंबर यहाँ पर डालना होगा, फॉर्म नंबर के लिए आपको जो भी फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर देख लेना होगा, जो भी फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, सभी डिटेल मैंने जहाँ तक है आपके सामने यहाँ पर फिल कर लिया। आपको जन्मतिथि भी यहाँ पर फिल कर देनी होगी। जन्मतिथि फिल करने के बाद में अपने माँ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। माँ सिलेक्ट करने के बाद में आपको ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी ईयर आपकी यहाँ पर, जो भी ईयर आपको
जन्म तिथि है वो यहाँ पर फिल कर देनी होगी। इसके बाद में कैप्चर कोड नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। कैप्चर कोड नंबर फिल करने के बाद में नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ओपन हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो आपकी यहाँ पर साइड ओपन हो जाएगी। कभी कभी हो जाता है कि यहाँ पर रुक जाती है। आप पीसी लैपटॉप या फिर उन पर ट्राई करेंगे तो हो जाएगी, मैंने मोबाइल से ही निकाल लिया था। तो गाइस आप भी अगर मोबाइल से बार बार ट्राई करोगे तो आपकी भी ओपन हो जाएगी। तो आपको मैंने बता दी, एक तो ये org.org से आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा एक और है वो उससे .net उससे आप ट्राई कर सकते हो। दोनों से आराम से निकल रहे हैं, निकाल लीजिएगा। मैं आपको, मुझे पता है अभी नहीं निकलेगा, तो गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं, आप बार बार यहाँ से दोनों से ट्राई करते रहिए, दोनों में से एक से आपका निकल जाएगा। तो मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आप RBSC की मेन वेबसाइट पर जाके तो वहाँ से ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, इन दोनों से ही आ रहा है और इन दोनों से ही निकल रहे हैं। तो आप दोनों को ही यूज करिए। इसके बाद में आपको जैसे ही अभी साइड एरर यहाँ काफ़ी यहाँ पर लोड हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं सभी के लिए अभी यहाँ पर नहीं निकल रहा, लेकिन आप एक क्या कीजिए, दूसरा और तीसरे से ट्राई कीजिए जिसमें आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। मैंने उसका प्रूफ दे दिया कि मैंने निकाल लिया। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आप इनसे ट्राई कीजिए, इनसे मत कीजिए, यानी सेकेंड और थर्ड से ट्राई कीजिए, और इसके अलावा दो लिंक है उससे ट्राई मत कीजिए। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।